हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि देखिए, अभी जो गलत प्रमोशन करके बहुत सारे आदमी को अपने अंडर जोड़ लिए हैं, जिनका स्मार्टफोन नहीं था या फिर जिनका उनका नेटवर्किंग के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे, बट उन्होंने 1200 रुपये का लालच देकर उनका अपने अंडर जोड़ लिया। बट अभी उनका अगर मतलब नहीं मिल रहा है, इंटरनेशनल में स्विच करना है वगैरह वगैरह फंड ट्रांसफर क्रिप्टो करेंसी, तो ऑब्वियसली बात उनको समझ में नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, अपने अपलाइन को दोष दे रहा है। एकदम ये सही बात है। तो जो जो ऐसा काम किए हैं तो उनके लिए क्या अभी आगे होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। और आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी इस तरह के, जो जो जिसने किया है उनका क्या नतीजा होने वाला है, उनके लिए क्या उपाय भी है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे सेकंड चैनल में भी सेकंड वीडियो आ चुका है तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, उसमें भी जाइए, उसमें भी सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए ये ऑडियो क्लिप आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। मेरी ये ऑडियो पूरे ओस्मोस ग्रुप के लिए है, जो भी जहां भी जैसे भी काम कर रहा है उनके लिए है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अपनी टीम में 70% ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से स्विच कर चुके हैं। इसलिए स्विच कर चुके हैं कि उन्हें कंपनी की पूरी अपडेट थी, उन्हें कंपनी की पूरी जानकारी थी, इसलिए हो चुके हैं। और इसका नतीजा यही है कि आप अपने किसी भी अपलाइन की इनकम को उठाकर देख लो, जो उसने पिछले 3 महीने में कमाया था वो उसी सेम इनकम में केवल दिसंबर में 20 दिन में पहुंच चुका है। जैसे कि मैं खुद का एग्जांपल बता दूं कि मैं ओस्मोस में 60,000 रुपये रोज की कैपिंग पे था, मैं यहाँ 20 दिन में उसी कैपिंग पे पहुंच गया हूँ, 60,000 मेरी रोज की बनने लगी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी पूरे लोग कन्वर्ट नहीं हुए हैं और मैं उसी सेम इनकम पे पहुंच गया हूँ। तो ये ओस्मोस की पावर को आप भी समझ लीजिए। बाकी मैं अब उन लोगों की बात करता हूँ, 30% जो नहीं कन्वर्ट हुए हैं। वो क्यों नहीं कन्वर्ट हुए हैं उसका भी रीज़न आप समझ लीजिए। वो इसलिए नहीं कन्वर्ट हुए हैं क्योंकि ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती ज्वाइन कराया गया है। उनको ये बोल के ज्वाइन कराया गया है कि सर, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप ज्वाइन हो जाइए, आपको 20 रुपये मिलता रहेगा, लाइफ टाइम मिलता रहेगा। ऐसे लोगों को ज्वाइन कराया गया कि जिनके पास कीपैड के फ़ोन थे या कुछ भी नहीं थे। ऐसे लोगों को ज्वाइन कराया गया जो रिक्शा चलाते थे। ऐसे लोगों को ज्वाइन कराया गया कि जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग की ABCD नहीं आती, बट उनसे 20 रुपये की लालच दिला के उनसे 1200 रुपया ले लिया गया। तब आप अगर ये सब गलती करोगे तो उसके जिम्मेदार भी आप होगे। कंपनी ने कभी ये बोला कि आप जिसको मर्जी उसको ज्वाइन करा दो, आप कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने गलत किया है तो उसके जिम्मेदार भी आप रहोगे। चलो ठीक है, अगर आपने ज्वाइन भी करा दिया तो जितना वो मीटिंग की अपडेट से दूर रहेंगे, कंपनी की मीटिंग से दूर रहेंगे, अपलाइन से दूर रहेंगे, आपके ग्रुप से दूर रहेंगे, वो हमेशा पूरी ज़िंदगी आपके ऊपर सिरदर्द बने रहेंगे। अगर आपने उन्हें कंपनी की मीटिंग अटेंड कराई होती, कंपनी की अपडेट बताया होता और उनको 1200 की पावर बताई होती कि फ्रेंड्स, तो बस फ्रेंड, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, और आशा करते हैं आज का अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए लाइक कीजिए और हमसे फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। दोस्तों, तब तक हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की ABCD नहीं आती है, उस किसके सर पे सवार होंगे? आपके सर पे सवार होंगे। वैसे ही लोग कर रहे हैं। आज वही 10% 20% लोग, वही 10% 20% लोग परेशान हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इस बात का आपको भी ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन अगर आपने इस बात का ख्याल नहीं रखा तो उसके जिम्मेदार आप हो और आप ही रहोगे। तो हमेशा सर, दूसरी बात सर, जो इंसान 1200 रुपये और 2500 रुपये का रिस्क नहीं ले सकता अपनी लाइफ में, उसे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन कराते हो? नहीं कराना चाहिए। जिस बंदे के लिए 1200 रुपये में ही रोड पे आ जाएगा, उसका घर बर्बाद हो जाएगा, उसकी दुनिया उजड़ जाएगी, ऐसे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों ज्वाइन कराते हो? नहीं कराना चाहिए था। उन्हीं 135 करोड़ की आबादी है दोस्त, 135 करोड़ की आबादी वाले लोग में आपको ऐसे ड्रीमर्स नहीं मिलेंगे जो आपके साथ मिलके खड़े हो सकें। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ऐसे लोगों को छोड़ दो, वो सर 10,000 5,000 8,000 की नौकरी के लिए बने हैं, उनको वहीं पे जाने दो। अगर आपने उनको गलत बोल के ज्वाइन कराया है तो उसके जिम्मेदार आप। कभी किसी को गलत बोल के मत ज्वाइन कराइए। जब भी ज्वाइन कराइए 100% सही बोल के ज्वाइन कराइए। जब आप सही बोल के ज्वाइन कराओगे तो आपके साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमको एक बात बताओ सर, जब उनको ये जानकारी ही नहीं है कि इंटरनेशनल प्लान क्या होता है, हम उसमें कन्वर्ट करेंगे तो इनकम कितनी आएगी,
तो आपको ही बोलेंगे ना सर, अगर वो कंपनी से अपडेट हुए होते तो हम गारंटीड बोलते हैं, उनको जानकारी मिली होती है तो हम गारंटीड बोलते हैं, वो आपसे कभी कंप्लेन ही नहीं करते। भाई हमको एक बात बताओ सर, जब हम आप कोई बिजनेस को शुरू करते हैं, आपका पर्सनल बिजनेस शुरू करते हैं, घर का कोई काम शुरू करते हैं, मान लीजिए आपने एक बजट बनाया कि हम चलो 1200 रुपये में एक प्लान शुरू करते हैं, एक बिजनेस डालते हैं, और आपने जैसे ही शुरू किया पता लग रहा है कि सर 1200 में तो नहीं होगा, 400-600 रुपये और ऐड करना पड़ेगा, आप क्या करोगे? अपने घर का काम छोड़ दोगे क्या? ऐड नहीं करोगे, ऐड करोगे वहां, क्योंकि उसे आपको अपना लगेगा। यहाँ इसलिए नहीं लगेगा कि हाँ ये, क्योंकि आपके अपलाइन ने आपको बताया हुआ है। तो सर मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, जब भी और जिसको भी जितना ज्वाइन कराइए उसको जानकारी देकर ज्वाइन कराइए, बिना जानकारी देकर आप ज्वाइन कराओगे तो आप हमेशा के लिए परेशान रहोगे। उनको बताओ सर फ्रेंड्स यहाँ पर लोग 1200 रुपया लगाकर 2500 लगाकर रोज 10,000, 20,000, 50,000 रोज का कमा रहे हैं। जब वो जानेंगे तब आपके साथ काम करेंगे, बाकी किसी के भी इंसान के लिए 1200, 2000, 1500, 2500 की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप उनको सही बता के ज्वाइन कराइए, सही चीज बताइए, आपके साथ ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।